हाय गाइस, माय नेम डॉक्टर तेजिंदर। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोग्राम ऑफ जावा। प्रोग्राम्स, एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं जावा में। ये हमें सिंपल एक प्रोग्राम बना रखा है नोटपैड में जावा का, जैसे क्लास डेमो। यहाँ पे फाइल नेम भी डेमो होगा, डेमो होगा, डेमो डॉट जावा यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। ये इसका मेन मेथड है, दिस इज मेन मेथड ऑफ जावा। राइट, ये इसका प्रिंटिंग कमांड है स्क्रीन पे, आउटपुट कमांड। सी के लिए हम यूज करते थे प्रिंट एफ, सी प्लस एस के लिए सी आउट, जावा में यूज करते हैं राइट। ये सिंपल सी इंट्रोडक्शन है जावा की, जावा प्रोग्राम की। आपको अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ एक्चुअली ये प्रोग्राम है क्या। सबसे पहले क्लास इज अ कीवर्ड, जो क्लास है स्मॉल लेटर में लिखना है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये एक कीवर्ड है। डेमो इज अ नेम ऑफ क्लास, डेमो क्या है, नेम ऑफ क्लास, राइट। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे क्लास का। देन व्हाट इज ए पब्लिक, पब्लिक क्या है। अगर सी सी प्लस प्लस में आपने स्पेसिफायर पढ़ाओ, एक्सेस स्पेसिफायर, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। विजिबिलिटी ऑफ मेथड, जैसे हम आपने पढ़ा होगा पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये दो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम करेंगे पब्लिक। पब्लिक एनीवेयर, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। स्टैटिक, स्टैटिक को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि स्टैटिक का मीनिंग है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास यू कैन एक्सेस ऑफ मेंबर, मेंबर्स को भी हो सकते हैं डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस, राइट। वॉइड आपको क्लियर होगा अगर नथिंग, रिटर्न टाइप है मेथड की, रिटर्न टाइप है, दिस इज रिटर्न टाइप। वॉइड मीन नथिंग, वॉइड मीन्स नथिंग, राइट। मेन, दिस इज अ नेम ऑफ मेथड, दिस इज मेन इज अ नेम ऑफ मेथड, राइट। स्ट्रिंग इज अ क्लास, स्ट्रिंग इज अ क्लास। अगर ऐसे एस, जिस वर्ड की फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, यू कैन से दैट इज अ क्लास, राइट। ये वेरिएबल नेम है, आप कोई भी लिख सकते हो, ए बी सी कोई भी दे सकते हो, दिस इज। और ये है स्क्रिप्ट, एरे स्क्रिप्ट, राइट। तो रन टाइम पे हम एरे ले रहे हैं, दिस इज एरे वेरिएबल, राइट। उसके बाद अब ब्लॉक बनाया है मेन क्लोज, और इसके बाद हम सिस्टम, सिस्टम इज ए क्लास इन बिल्ड क्लास। Out is an object which class print stream class, print stream
class. Okay, println. println is a method. Is a method of PrintStream class. PrintStream class, right? ln means next line. Without ln, same line. According to need, you can use it, right? डबल कोट्स में आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट? ये आपको भी क्लियर हो गया होगा सारा, ये सारा पोर्शन आपको क्लियर है, ये भी, राइट? क्लास मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ अभी जल्दी जल्दी में. क्लास डेमो, क्लास नेम और फाइल नेम शुड बी सेम. अगर आप सेम नहीं रखोगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको आगे बताता हूँ. ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज ए मेन मेथड सिंटैक्स. स्ट्रिंग आर्ग, स्ट्रिंग नेम आर्ग्स लिखा हुआ, दिस इज ए वेरिएबल नेम. रन टाइम पे कोई वैल्यू हमने पास करनी हो तो तभी हम यूज करते हैं. सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज ए प्रिंटिंग स्टेटमेंट. डबल कोट्स में जो भी आप लिखोगे तो प्रिंट कर सकते हो, राइट? And close, right? ये है एक small program of Java. अब second step आता है कि हम इसको run कैसे करेंगे. Java को पहले compile करना पड़ता है, program को compile होता है Java C. नेम ऑफ फाइल, अगर यहाँ पे सपोज करो फाइल का नेम नहीं है, मैं सपोज करो इसका नाम देता हूँ डेमो डॉट जावा, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जो स्पेलिंग है आपकी, डेमो डॉट जावा, ये कंपाइलेशन का नाम, राइट? रन एग्जीक्यूशन कमांड कौन सी होती, उसके लिए मैं लिखता जावा, राइट? नेम ऑफ मेन क्लास, नेम ऑफ मेन क्लास. नेम क्लास की स्पेलिंग इट मस्ट बी सेम. ये आप स्पेलिंग डी स्मॉल पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है स्पेलिंग इट मस्ट बी सेम ऑफ मेन क्लास. इसमें आपको एक और कंफ्यूजन बता देता हूं. अगर आप फाइल का नेम और रखते हो, मैं सपोज करो कि फाइल का नेम यहां पे हेलो लिख देता हूं, राइट? तो यहां पे क्या आएगा, डेमो नहीं आएगा, डेमो नहीं आएगा, राइट? यहां पे क्या आएगा, हेलो. कंपाइलेशन जो होती है वो फाइल के नेम के साथ होती है, राइट? रन जो होता है आपका प्रोग्राम जावा में, वो मेन क्लास के नेम से होता है, चाहे स्मॉल है चाहे कैपिटल है, आपने ये जरूर चेक करना है. इसी इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम. अगर दोनों का नाम सेम रहेगा आपको नाम की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, राइट? ये इसकी जरूरत नहीं है. नाम सेम होगा तो क्या लिखोगे आप, यहां पे क्या लिखोगे, डेमो, डेमो डॉट जावा, राइट? फिर आप कंपाइल करोगे, यहां पे आपकी आउटपुट आ जाएगी. अगर इस कंपाइलेशन के दौरान आपका एरर आता है तो यह सिंटेक्स एरर आएगा, यहां पे आपको रन टाइम एरर मिलेगा, राइट? ये है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन. मैं आप अभी आपको रन करके बताता हूं ये प्रोग्राम कैसे रन होता है, राइट? हम देखते हैं सारा प्रोसेस अभी चेक करते हैं. सॉरी, यहाँ पे जैसे मैंने
जावा का पाथ सेट कर लिया है, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जावा का पाथ कैसे सेट करना है। तो आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है सीएमडी, क्लिक करना है, आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ इसका, थोड़ा सा फॉन्ट की इशू है। इसमें आपने लिखना है नोटपैड डेमो वन डॉट जावा, एंटर मारना है, ऐसे करना है। यहां पे आप लिख सकते हो क्लास डेमो वन, जो मैंने फाइल नेम रखा है वही इसका नाम मैंने रखा है। तो यहां पे आप क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, नाम आप कोई भी रख सकते हो, यहां पे कोई भी नाम आप दे सकते हो। यहां पे आप सिस्टम और प्रिंटरन डबल कोट्स आप यूज कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। फिर कंट्रोल एस के साथ आपने सेव करना है, जहां जाके फाइल में जाओगे तो यहां पे सेव, इसको आपने मिनिमाइज कर लेना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहां पे लिखना है आपने जावा सी। आपका जावा का पाथ पहले सेट होना चाहिए, अगर सेट है तो जैसे मैंने क्लिक किया है जावा सी लिखकर तो ये डिस्क्रिप्शन आपको शो होगी ऐसे। तो इसका मीनिंग है कि आपका पाथ सेट है। जावा सी नेमो फाइल डेमो वन डॉट जावा, एंटर मारोगे, अगर आपका एरर होगा, सिंटेक्स एरर होगा, तो आपको कैसे शो करेगा, ऐसे जैसे अभी शो कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या एरर आ रहा है, क्लास का सी कैपिटल है। तो मैं प्रोग्राम में जाके क्या करूंगा, सी को स्मॉल कर, राइट। सेव करने के बाद फिर यहां पे आऊंगा, कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली रन हो गया। अब आपको दिखाता हूं अगर रन होने के बाद कौन सी फाइल जावा जनरेट करती है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो फाइल्स नजर आएंगे, एक सोर्स फाइल जो हमने क्रिएट की है, आफ्टर कंपाइलेशन एक फाइल और जनरेट हुई है जिसका नाम था डेमो वन डॉट क्लास, दिस इज कॉल्ड बाइट कोड, ये है इंटरमीडिएट कोड, राइट। अगर मैं इसको ओपन करूं, सपोज मैं इसको नोटपैड डेमो ओपन करता हूं तो ऐसे इसमें वर्ड आएंगे, ये चीज आपको रैप कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखो ऐसे लिखा है। इसमें आपका ओनली फॉर जावा इंक्लूडेड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, इसलिए इसका साइज कम होगा। आप अगर साइज चेक करोगे तो देखो ये कम होगा जावा का, और ये बाइट्स में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज अभी हम इसको रन कैसे करें, जावा नेम ऑफ मेन क्लास एंटर तो हेलो वर्ड आए। अगर आप यहां पे मिस्टेक करते हो, सपोज मैं ये स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं, देखो मैं लिख दिया डेमो डॉट वन, एंटर मारता हूं तो क्या आंसर देगा, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास, तो आपकी मेन क्लास नहीं है, क्यों, बिकॉज उसकी डी कैपिटल है, राइट। तो आपने ये जो नेम है इट शुड बी सेम, अगर सेम नहीं होगा तो नहीं चलेगा, राइट। ये स्मॉल डेमो है जावा का, ठीक है। अगर आपने एक्लिप्स में चलाना है, एक्लिप्स में चलाना है तो मैंने भी एक्लिप्स इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने एक्लिप्स कर रखा है, राइट। तो वो ऐसे है, उसकी आउटपुट ऐसे है।
उसमें क्या है, एक्लिप्स आप इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल किया डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली पेस्ट करके उसका शॉर्टकट बना लेना, exe फाइल होती है उसमें, आपको पता चल जाएगा। उसमें सिंपल सा यही करना होता है कि प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, अगर फाइल में जाओगे, फाइल में जाओगे तो यहाँ पे आएगा जावा प्रोजेक्ट, आपने जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नाम, जैसे मैंने डेमो रखा है, डेमो रख देना है, देन नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है सोर्स पे, सोर्स पे राइट क्लिक करके आपने चूज करना है न्यू, न्यू में आपका आएगा जावा क्लास, जावा क्लास का जो भी नाम रखोगे आप, बाय डिफॉल्ट आप पैकेज नेम दे देना कॉम, पैकेज नेम ये मांगेगा आपको, नेसेसरी है इसमें, तो पैकेज नेम कॉम दे देना और उसके अंदर ये क्लास का नाम दे देना। उसमें एक टिक आएगा आपको कि आपको मेन मेन क्लास बनानी है, तो मेन को टिक करो, मेन आप टिक कर देना, ये जो कोड है, ये वाला कोड, ये वाला कोड और ये वाला कोड ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करके देगा, आपने जस्ट इतना ही लिखना है, हेलो वर्ल्ड वाली लाइन। रन करने के लिए ये कमांड है, यहाँ से रन करोगे तो ये आउटपुट इसकी विंडो है, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, राइट। तो ये है एक्लिप्स पे अगर आपने रन करना है प्रोग्राम, बड़ा सिंपल सा ही है, ठीक है जी। तो ये था डेमो ऑफ जावा प्रोग्राम, कैसे आपने बनाना है, क्या एक्सप्लेनेशन है और कैसे रन करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।